हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि और आप देखें आरएनपी टेक। दोस्तों रियलमी ने लॉन्च कर दिया अपने एक न्यू स्मार्टफोन रियलमी XT को। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या कुछ खास नया फीचर्स हैं इसमें। और दोस्तों मैं थोड़ा सा लेट हो गया इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में क्योंकि इस टाइम पे आप देख रहे हैं फ्लैश सेल चल रहा है, तो फ्लैश सेल्स में से परचेज किया है मैंने। आपकी इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिन्होंने बहुत पहले अनबॉक्स कर दिया था उनकी वीडियो देख ली होगी। लेकिन एक उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो जो फोन्स हैं उनको वो कंपनी वाले डायरेक्ट ही प्रोवाइड करवा देते हैं, तो मे बी उसका जो लैकनेस है और बहुत सारे जो रिव्यूज हैं, ठीक है, आपको प्रॉपर वे में वो लोग नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। तो ये फोन तो खैर मैंने अपने पैसे से परचेज किया है, जो भी इसके स्पेसिफिकेशंस है सही और गलत मैं दोनों आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग करके, एक क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास नए फीचर्स है इसी स्मार्टफोन में। दोस्तों ये है रियलमी XT का बॉक्स, आप इस पर क्लियरली मेंशन देख सकते हैं रियलमी XT। जो इसके हाईलाइट्स हैं वो है 60MP क्वाड कैमरा, वॉक फ्लैश चार्जर 3.0 और एक टैगिंग दिया हुआ है नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड, ठीक है, रियलमी की टैगिंग है। और बॉक्स में जो कलर ग्रेडियंट शो किया हुआ है वो ब्लू और पर्पल ग्रेडियंट्स का कलर को मेंशन किया हुआ है। आप जब इसके नेक्स्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे रियलमी XT का टैग है और इस साइड में बहुत सारे जो हाईलाइट्स हैं इस हाइलाइट्स को मेंशन किया हुआ है। आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके और अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसमें अगेन यहाँ पे कैमरा को मेंशन किया हुआ है जो क्वाड कैमरा है 64MP 8.2 और 2। अब फ्रंट कैमरा जो है वो 16MP, स्क्रीन साइज को मेंशन किया हुआ है 6.4 और वेट डायमेंशन 183 और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो MRP है वो 17999 इंक्लूसिव ऑफ ऑल डिडक्शंस। दोस्तों और देखते हैं, और कुछ नहीं है बाकी साइट्स में, बस रियलमी XT का ही टैग है। तो करते हैं इसे जल्दी से ओपन, देखते हैं अंदर क्या कुछ खास निकल करके आता है। तो करते हैं इसको जल्दी से ओपन, देखते हैं क्या कुछ खास है। हे वेलकम टू रियलमी फैमिली ऐसा लिखा हुआ दिख जाता है अंदर। और इसमें क्या है, इसमें मिल जाता हमें एक ट्रांसपेरेंट केस, अंदर छुपा बैठा है ये एक मेन डिवाइस, इसको रखते हैं अभी साइड में। और क्या कुछ खास है, बेसिक पेपर वर्क, कुछ क्विक यूजर गाइड ढेरों सारे जिसको आप शायद कभी नहीं पढ़ेंगे, तो इसे भी रख देते हैं अभी साइड। और अंदर हमें दिखने को मिल जाता है वॉक चार्जर और USB C टाइप केबल, और इसके अंदर है सिम इजेक्टर टूल। तो इन सबको रखते हैं अंदर, देखते हैं मेन डिवाइस में उसमें क्या कुछ खास मिल जाता है। तो करते हैं इसे जल्दी से डिवाइस को ओपन। दोस्तों एज ए मैं फर्स्ट टाइम जब इसे ओपन कर रहा हूँ तो इसमें बहुत सारे बेसिक डिटेल्स वगैरह हैं। करता हूँ मैं इसको जल्दी से सेटअप, देन उसके बाद मैं आता हूँ आपके सामने, देखते हैं करते हैं इसको एक्सप्लोर क्या कुछ खास नया है। तो करता हूँ इसको मैं जल्दी सेटअप, आप बने रहे। दोस्तों इसे कर लिया है मैंने सेटअप और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं मेन इसके फिजिकल ओवरव्यू का। तो सबसे बैक साइड में आपको देखने को मिल जाता है क्वाड कैमरा सेटअप, ठीक है, जो कि 4 कैमरा जो इसका मेन हाईलाइट है 4 कैमरे के सेटअप के साथ आता है, जो कि फर्स्ट कैमरा है 64MP का, सेकंड 8MP और नीचे के जो दोनों हैं वो 22MP के कैमराज हैं। फर्स्ट जो मेन है वो 64MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का वाइड एंगल कैमरा, जो थर्ड कैमरा है वो 2MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा और जो फोर्थ वाला है वो माइक्रो कैमरा है। साथ में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर मेन आपको फ्लैश देखने को मिल जाएगा। बाकी इसकी कलर की अगर बात करें तो कलर ग्रेडियंट्स आप देख सकते हैं, मेरे पास जो है वो वाइट कलर है, तो एक और दूसरे कलर के साथ भी आता है जो है ब्लू एंड पर्पल कलर के साथ। बाकी अगर इसके साइड में देखेंगे तो साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, साइड में जो है इसके पावर का ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है। और फ्रंट इसके अंदर नोच डिस्प्ले, ठीक है, ये जो डिस्प्ले है ये गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शंस के साथ आता है। और इसके जो लेफ्ट साइड है उसके लेफ्ट साइड के अंदर भी आपको वॉल्यूम अप ऑन डाउन का बटन देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलेगा। ऊपर में देखेंगे तो यहाँ फर्स्ट आपको नॉइज कैंसिलेशन माइक देखने को मिलेगा और नीचे की साइड अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला जो है वो स्पीकर सेटअप है, सेंटर में आपको चार्जिंग का सेटअप मिल जाता है जो कि आपके सी चार्जिंग सी टाइप के साथ आता है।
इसके बाद देखने को मिलेगा आपको माइक का, और उसके बाद हमारा प्यारा सा 3.5 mm जैक। अगर ओवरऑल ओवरव्यू की बात करें तो आपको बहुत ही प्रीमियम लुक देखने को मिलेगा। इसके अंदर रियलमी की टैगिंग है जो कि ग्लास के अंदर आता है, तो आप इसको स्क्रैच स्क्रैच करके भी हटा नहीं पाएंगे। बाकी का ओवरऑल अगर आप कैमरे की अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो बहुत ही प्रीमियम लुक है, आपको बिल्कुल भी निराशा इससे नहीं होने वाला है। तो दोस्तों अब इसकी बात कर लेते हैं स्क्रीन की। जो स्क्रीन इसका है वो सुपर एमोलेड 6.4 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आता है जो कि बहुत ही ब्राइट है। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों इसका जो प्रोसेसिंग पावर है जो कि रन होता है स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर के साथ, जो कि अपने आप में बहुत पावरफुल प्रोसेसर है, आप इसके अंदर बड़े ही आसानी से गेमिंग वेमिंग का एक्सपीरियंस कर पाएंगे बिना किसी लैग के साथ। दोस्तों तो बात कर लेते हैं इसके रैम एंड स्टोरेज मैनेजमेंट की। तो रैम और स्टोरेज जो है वो तीन वेरिएंट में अवेलेबल है। रैम आपको मिल जाता है 4GB एंड 6GB, और स्टोरेज की बात करें तो 4GB के साथ 64GB का ऑप्शन मिल जाता है, और 6GB के साथ में 64GB और 128GB दोनों ही ऑप्शंस में अवेलेबल हैं। तो जो आप चाहे वो आप ले सकते हैं। दोस्तों इस पूरे सेटअप को पावर देने के लिए इसके अंदर जो है वो 4000 mAh की बैटरी को यूज में लिया गया है, और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें इस बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है फास्ट चार्जर 20W वॉक चार्जर के साथ हमें मिलता है, जिसकी आउटपुट 5W 4 एम्पियर है। ठीक है, तो हालांकि इसकी जो टोटल कंपनी जो है वो 90 मिनट का क्लेम करते हैं कि 90 मिनट के अंदर आप इसको 100% चार्ज कर पाएंगे, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बाकी इसका एक अलग वीडियो बना करके हम चेक करेंगे वाकई ये 90 मिनट में चार्ज हो जाता है या नहीं होता है। दोस्तों और इसमें देख लेते हैं, ये जो फ़ोन है ये इनबिल्ट फिंगरप्रिंट डिस्प्ले के साथ आता है, तो चेक करते हैं इसका सेटअप और देखते हैं फिंगरप्रिंट कितना फास्ट है, कितने अच्छे से ये वर्क करता है। दोस्तों इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी है जो बहुत ही सही वर्क करता है, आप देख पा रहे होंगे। ये किया मैंने अनलॉक और ये लॉक, और जस्ट ये फिंगर लगाते ही अनलॉक हो जाता है, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। दूसरी चीज़ इसमें मैंने फेस आईडी भी सिलेक्ट किया हुआ है, तो फेस अनलॉक भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, तो उसे भी आप देख पाएंगे। ये लॉक और जैसे ही मैंने इसकी तरफ देखा ये अनलॉक, ये लॉक और ये अनलॉक, ये लॉक और जैसे ही मैंने इसकी तरफ देखा ये अनलॉक, तो दोनों ही बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। हालांकि फेस अनलॉक जो है वो थोड़ा सा हल्का सा लैकनेस के साथ काम करता है, मे बी फ्यूचर में सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ उसको अपडेट कर सकते हैं। रियलमी से तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ये जो थोड़ा सा लैकनेस है उसको आप नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ चेंज कर दें। तो ओवरऑल जो है इसका जो फिंगरप्रिंट और जो फेस आईडी स्कैनर्स हैं वो दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। दोस्तों तो अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे की। ये जो कैमरा है मैंने ओवरव्यू आपको दिखा दिया था, जो कि क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है 64, 8, 2 और 2। बाकी अब इस कैमरे की परफॉर्मेंस देखते हैं कि कैमरा कैसे वर्क करता है। इस कैमरे के अंदर बेसिक आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जो भी आपके जो नॉर्मल जितने भी मोड होते हैं, यह है वीडियो मोड, फोटो मोड, फोटो में भी आपको सारे मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट मोड, पैरारोमा मोड, ठीक है, वाइड एंगल, आपको सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाता है। देन इसके अंदर जो वीडियोज़ के अंदर आप जो है वो 720, 180p और 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक चीज़ बता दूँ, 4K जो है वो 60fps पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर आप देखेंगे अल्ट्रा 64MP, नाइटस्केप, पैनो, एक्सपर्ट, टाइम लैप्स, स्लो मोशन, अल्ट्रा माइक्रो, सारे ही मोड आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसके साथ मैं कुछ सैंपल्स वीडियो आपके साथ या सैंपल फोटो आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों इसमें जो इसके मैंने कुछ फोटो सैंपल हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये फोटोज आप देख सकते हैं। ये जो फोटोज हैं अलग अलग मोड्स पे, अलग अलग एंगल्स पे, अलग अलग टाइम पे फोटो लिया हुआ है। इसमें सारे मोड जो है बहुत अच्छे से वर्क करता है, इवन नाइट मोड भी ठीक ठाक ही काम करता है। ठीक है, जो पैनारोमा जो पोर्ट्रेट मोड है उसमें जो एजेस है, शार्प एजेस, वो भी ठीक अच्छे से काम करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं उसकी जो परफेक्शन है, समटाइम्स वो थोड़ी सी लैकनेस दिखती है, जो एजेस हैं वो ऐसा फील होता है जैसे किसी फोटो को क्रॉप करके उस पर डाल दिया है, लेकिन ओवरऑल जो है वो फोटो काफ़ी शार्प है। डिटेल इसमें आपको भर भर के देखने को मिल जाती है, डिटेल काफ़ी सारी आ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा इसका क्विक अनबॉक्सिंग, कैसा लगा आपका फ़ोन अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। और मेरे मायने में फ़ोन अच्छा है, लुक्स अच्छे हैं, प्रीमियम फील देता है फ़ोन, कैमराज अच्छे हैं, तो ओवरऑल फ़ोन जो है अच्छा है, आप परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और ऑफ कोर्स कमेंट करना ना भूले। और अगर इस चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लेना ताकि मेरे सभी वीडियोज़ का रिस्पॉन्स आपके तक पहुँचता रहे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।